प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर आपकी परेशानियों का हल लाते हैं। ऐसी कोई भी समस्या हो जिसे आप हल नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी हो गई है जिससे आप निजात पाना आपके लिए नामुमकिन सा हो गया है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे तरीके जिन्हें अगर आप सही तरीके से हमारे बताए अनुसार अपनाते हैं तो आप हमेशा के लिए अपनी परेशानी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिनको हम कभी किसी को बता नहीं पाते, बस दिल ही दिल में, मन ही मन में उससे लड़ते रहते हैं, उससे जूझते रहते हैं और अंदर ही अंदर कमजोर पड़ते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे अच्छों को पाए जिन्हें अपना कर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आपका कोई आपसे रूठ गया है या आपका कोई ऐसा जिसके लिए आप काफी समय से परेशान हो रहे हैं लेकिन आपका वो काम नहीं हो रहा है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके को अगर आप अपना लेते हैं तो आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, और वो भी सारी उम्र के लिए, क्योंकि हमारे जो उपाय है वो इतने अच्छे हैं जिससे आप अपनी सारी उम्र अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं और कभी दोबारा वो परेशानी वापस मुड़कर नहीं आएगी, क्योंकि हमारे तरीकों का कोई तोड़ नहीं है और वो तरीका है वशीकरण का तरीका। हमारे बताए हुए वशीकरण के तरीके को अपनाकर आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, अपने आप को खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं। अब मैं बिना आपका समय बर्बाद करे हुए आपको बताती हूँ कि कौन सा वो वशीकरण उपाय है जिसे अपनाकर आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, खुशहाली के दरवाजे पर कुंडी खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी या प्रेमिका आपको छोड़कर चली गई है तो इस उपाय को अवश्य ही अपनाना होगा आपको। 24 घंटे के अंदर वो आपके पास खींची चली आएगी, उनका प्यार आपके अंदर कभी खत्म नहीं होगा। एक बात का खास ध्यान रखें, ये बहुत ही प्रचंड विधि है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर एक बार आपने इस विधि को अपना लिया तो वो जिसके ऊपर आप ये विधि कर रहे हैं सारी उम्र के लिए आपका ही रहेगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस विधि को करने के लिए आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति यानी आपकी पत्नी या प्रेमिका की फोटो, और बस इससे आप किसी को भी सारी उम्र के लिए अपना बना सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि अब आपको करना क्या है। आपको रात के समय अपनी प्रेमिका या पत्नी की तस्वीर को लेकर स्मशान में जाना है और वहाँ जाकर एक स्थान पर बैठ जाइए और फिर उस फोटो को साथ में लेकर अपनी पत्नी का ध्यान कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनकी बातों का विचार कीजिए, इस हद तक कि उनकी छवि आपकी बंद आंखों के सामने उतर आए। इस फोटो पर रखते हुए एक मंत्र का 51 बार जाप करना है और फिर आपको इस फोटो को 1 फुट नीचे गड्ढे में दबा देना है वहीं पर। बस ठीक, क्या जैसे आप घर आएंगे 24 घंटे के अंदर में आपकी प्रेमिका आपके पास वापस चली आएगी और कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगी। और वो अचूक मंत्र ये है, ओम अमुक वश्यम कुरु स्वाहा। तो दोस्तों, इस अचूक विधि को अपनाने और अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका को अपने जीवन में वापस लाइए, क्योंकि प्यार के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं होता है।
और इसके अलावा आपको कोई और समस्या है, कोई और परेशानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी को फोन कर सकते हैं और अपनी समस्या बताइए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरुजी के पास नहीं है। तो बिना समय बर्बाद करे गुरुजी को अपनी समस्या बताइए और अपनी परेशानियों का हल खुद ही कीजिए। जय माता दी।